गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाऊंगी। ओके बच्चों, आज इंग्लिश ग्रामर में हम लेसन 7 पढ़ेंगे। उसमें मेरा आज का टॉपिक है ए एंड और द। ए एंड और द का यूज करना आज हम सीखेंगे। ओके बच्चों, तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और ए और एंड और द का यूज कैसे होता है उसको आप ध्यान से देखते हुए आप इस बुक में पेज नंबर 32 निकालेंगे और देखेंगे ए एंड और द का यूज कैसे और कहाँ होता है। ओके बच्चों, लुक एट द पिक्चर एंड रीड द वर्ड व्यू, यानी यहाँ जो नीचे में पिक्चर दिया हुआ है आप उसको देखिए और देख करके पढ़िए। हाँ, यहाँ क्या है, अंडा, तो ए एंड ए, यहाँ बॉल है, ए बॉल एंड एन एंड और ए मैन और ए हॉर्स। आप ध्यान देंगे कि जो हम यहाँ एग लिखे थे, एग से पहले एन का यूज किए, ओ लिखे और लिखे तो एन का यूज किए और हॉर्स लिखे तो हम ए का यूज किया। इसका क्या मतलब, व्हाट डू यू नोटिस, तुम नोटिस करो कि ऐसा क्यों होता है। तो आप देखेंगे कि ए इज यूज बिफोर वर्ड डाई बिगनिंग विथ कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है उसके पहले ए का यूज होता है। ओके बच्चों, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है उसमें ए का यूज होता है। जैसे आप बोलोगे एंड ए, ए हमारा पांच वॉवेल होता है, ए ई आई ओ और यू, क्या होता है, ए ई आई ओ और यू, ये मेरा क्या होता है, ये है मेरा वॉवेल। और इस लेटर से जो वर्ड शुरू होता है उसमें हम एंड का यूज करते हैं और इस लेटर के अलावे जो हमारे पास 21 लेटर रहता है वो कॉन्सोनेंट कहलाता है और उसमें हम एन ए का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ लिखा ए, ए तो यहाँ ए ई जो है वो क्या है, वॉवेल है, ये क्या है, वॉवेल, तो हमने इसके पहले एन का यूज किया। ओके स्टूडेंट, और सेकंड में देखेंगे कि यहाँ बॉल है तो बी ए डबल एन बॉल, तो ये बॉल जो है हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम इसमें ए का यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, दूसरा एंड इज यूज बिफोर वर्ड दैट बिगनिंग विद वॉवेल साउंड, आपको मैंने पहले बताया कि जो वर्ड वॉवेल साउंड से शुरू होगा उसमें एंड लगेगा और जो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा उसमें ए लगेगा। ओके बच्चों, तो आपने सीखा कि ए का यूज और एन का यूज किस लेटर से और किस वर्ड में करेंगे। ओके बच्चों, तो यहाँ देखिए आप कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है उसमें ए और एन का यूज करना है। तो आप यहाँ देखो क्लॉक है, क्लॉक के पहले खाली जगह है तो इसका सी जो है सी एन ओ सी के क्लॉक, क्लॉक का फर्स्ट लेटर जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम यहाँ ए का यूज करेंगे। और आप अपने बुक में देखेंगे इसके बाद एन एंड है, ई एल ई पी एच ए एन ई, एलिफेंट, एलिफेंट का फर्स्ट लेटर जो है ई क्या है, वॉवेल है, क्या है, वॉवेल, तो हम इसमें एन का यूज किए। इसके नीचे भी है एप्पल, तो एप्पल का ए जो है वो क्या है, वॉवेल है, तो हम यहाँ एन का यूज करेंगे। और इसके बाद बटरफ्लाई, बी यू डबल टी या बटरफ्लाई, आप देखो इसका बी जो है वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम यहाँ क्या करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सीखे होंगे ए और एन का यूज हमको कैसे और कहाँ करना है। ओके स्टूडेंट, तो आप देखना कि जो वर्ड कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है उसमें हम ए भरते हैं और जो वर्ड का फर्स्ट लेटर
हॉवे होता है उसमें हम एन का यूज करते हैं। और आपके एक्सरसाइज टू में है कंप्लीट दिस सेंटेंस विद ए और एन। इसके बाद एक्सरसाइज टू में भी आपका जो है यहाँ कुछ सेंटेंस है जिसमें ए और एन को भर के कंप्लीट करना है। तो यहाँ आप देखिए डैश मंकी लिव्ड ऑन डैश ए डैश ट्री। आप क्या करोगे यहाँ ए मंकी क्या करेंगे ए मंकी लिव्ड ऑन ए ट्री। हाँ ये नंबर में आप भरेंगे। और बी नंबर में कैन यू गिव मी डैश पेन प्लीज। क्या करोगे इसका मीनिंग क्या होगा कैन यू गिव मी क्या तुम मुझे दोगे पेन तो ए पेन यहाँ भी हम ये भरेंगे। और सी में देखिए डैश ग्लास ओवर एंड मी मेक द डैश फार्म यानी क्या करेंगे ए ग्लास ओवर ए ग्लास ओवर एंड एंड है एंड का ए जो है वो वॉवेल है इसीलिए हम उसमें एंड करेंगे और मीट द डैश हार्म तो यहाँ करेंगे क्या करेंगे हार्म तो आप इसमें ये भरेंगे। हम समझते हैं उम्मीद करते हैं कि आप इस एक्सरसाइज को पूरे बना लेंगे क्योंकि आप मे भी इस एक्सरसाइज को समझ रहे होंगे कि हमको ए और एन का यूज कहाँ करना है इस सेंटेंस को कर देखते हुए आप इस बुक को भरेंगे। ओके बच्चों मैं कल नेक्स्ट चैप्टर बताऊंगी। ओके बच्चों बाय।